कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल अपनी यात्रा पूरी कर अल्मोड़ा पहुंचा। यात्रा से लौटे श्रद्धालु उत्साह से लबरेज थे, लेकिन कुमाऊं मंडल विकास निगम की व्यवस्थाओं से नाराज थे। यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्हें रास्तों की जानकारी ठीक से नहीं दी गई, साथ ही रुकने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बार केएमवीएन की तरफ से हमें बड़ी अव्यवस्था हुई है। जगह जगह उन्होंने हमें ये एहसास दिलाया कि भाई हम इस यात्रा को जो करने में समर्थ रहते थे तो वो उन चीज़ों पर खड़े नहीं उतरे। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस यात्रा में जो पहली बार गए हैं और शायद आखिरी बार था उनका, और उनका कितने सालों का सपना था, लेकिन वो इस यात्रा को नहीं कर पाए इनकी अनकन्विंसेंस की, क्योंकि ये घोड़े प्रोवाइड नहीं कर पाए उन सीनियर सिटीजन में। क्या क्या दिक्कतें हैं? जैसे कि हम अरे उसमें से दल में से कुछ लोग फिट थे और उनको भगवान शंकर ने चुना हुआ था, लेकिन उन्हें वहाँ पे घोड़ा ना मिलने के कारण वो अनफिट कर दिए गए और गुंजी से उन्हें वापस भेज दिया गया और उनका कई सालों का सपना ख़त्म कर दिया गया। और उसके अलावा जो हेलीकॉप्टर से हमें लाया गया और वापस जो पहले हमें भेजा गया था, उस जो यात्रा का जो पैदल चलने का मार्ग था उसके बारे में हमें सही तरीके से डिटेल नहीं दी गई। देखिए, भोले बाबा के आशीर्वाद से यात्रा बहुत अच्छी रही। हमने बहुत अच्छे दर्शन किए, मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया, ITBP का सहयोग तो हमेशा से काफ़ी अच्छा रहा है, चाइनीज़ गवर्नमेंट की साइड से भी अच्छा था, भारत सरकार की तरफ से भी ठीक रही चीज़ें। बस थोड़ा सा अफसोस रहा कि हमारे जो कुमाऊँ विकास निगम मंडल है उनकी तरफ से थोड़ी सी अव्यवस्था कुछ चीज़ों में रही। सहयोग उन्होंने भी किया, लेकिन थोड़ा सा और सहयोग होता हमारे जो लोग हैं उनकी तरफ से तो हमारे कुछ यात्री लोग, क्योंकि हम टीम को लेके चल रहे हैं तो पूरे ये सामूहिक यात्रा है, तो कुछ लोग यात्रा को अच्छे से नहीं कर पाए, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहीं, घोड़े वगैरह उनको अवेलेबल नहीं हो पाए, कमरे ढंग से अवेलेबल नहीं हो पाए, चीज़ें नहीं हो पाई उनके लिए, तो उनको अव्यवस्था रही, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि सुचारू रूप से और ठीक करने की ज़रूरत है ताकि यात्रा में आगे किसी को दिक्कतें ना हो। कुछ यात्री तो अव्यवस्थाओं से इतने नाराज थे कि विदेश मंत्रालय से शिकायत करने का मन बना चुके हैं। अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट।